सब्सक्राइब कीजिए एक्सपेक्टेड बीच चैनल को और बेल आइकन को दबा के हर एक नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन पाइए। इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आप स्क्रीन में देख रहे हो जो बिफोर ऐसा था वीडियो, तो आफ्टर स्टेबलाइजेशन ये ऐसा हो गया। तो ये काफ़ी कूल है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि आप वीडियो एडिटिंग से ही बहुत कुछ कर सकते हो। तो सोनी वेगस में इसको कैसे करना है चलिए दिखाते हैं। है इज बेस्ड फ्रॉम एक्सपर्टेड बिल्ड, जिसमें हम लोग सब लोग मिलकर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस चैनल पे मैं टेक्स्ट और ट्यूटोरियल जस्ट लाइक दिस वीडियो बनाते रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो एक बात डिस्कस कर लेते हैं, जो शेकी वीडियो होता है ना वो कैमरा अगर आपका एक स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन होता है जिसके कारण वो स्टेबल कर देता है, लेकिन वो अगर नहीं होता है तो आपका शेकी बन जाता है। जैसे मेरा कैमरा जो कि बहुत ही बेसिक है, अभी फिलहाल उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा ये वीडियो, मैं इसको इतना लंबा नहीं खींचूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको स्प्लिट। अब देखिए ये इसको म्यूट कर देता हूँ। ये जो वीडियो है मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली वीएलसी में प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये बहुत हिल रहा है, आपने वैसे पहले देख लिया है बिफोर आफ्टर कंपैरिजन मैंने दिखाई दिया था। तो अब करना ये होगा कि पहले आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है लेकिन सब में नहीं होता है। जैसे कि आपके वीडियो इफेक्ट्स में गया, स्टेबलाइज में गया और यहाँ से ऐसे उठा के ले गया। तो इससे क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ। आपको उठा के ले गया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली कि आपको ऐसा नहीं होगा, आपको जाना है टूल्स वीडियो मीडिया इफेक्ट्स, ठीक है। तो इससे नहीं होगा, इसको करके देखिए आपको कोई फायदा नहीं है। ओके अब इसको छोड़ दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस वाले वीडियो एफेक्ट्स ये इवेंट एफेक्ट्स में चले गए और यहाँ पे भी आपको मिलेगा सोनी स्टेबलाइज, इसको भी ओके कर दिया। इधर भी सेम लिखा हुआ है टूल वीडियो मीडिया एफेक्ट्स में जाना है, तो इसमें भी आपका नहीं होगा। ओके इसमें भी मैंने कर दिया इसको बैक। तो आपको करना ये है कि सिंपली इस वाले वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है, टूल्स में जाना है, वीडियो में जाना है, मीडिया एफेक्ट्स में जाना है। अगर आप वीडियो क्लिप को सिलेक्ट नहीं करते लाइक दिस, मैंने ऑडियो को सिलेक्ट करके रखा हूँ, तब आपका ये नहीं आता है, ठीक है। आपको वीडियो क्लिप को ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टूल्स वीडियो मीडिया इफेक्ट्स में चलना है, यहाँ पे आपको फिर से वही निकल जाता है लेकिन उसमें नहीं होता है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे सोनी स्टेबलाइजर जो है इसको कर दीजिए ओके। ये देखिए अब वो वाला नहीं आ रहा है। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको लाइट देना है, मीडियम देना है, हेवी देना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, आपका कैमरा क्वालिटी कैसा है, मतलब वो कितना अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर आपका क्वालिटी बहुत सही है तो आप हेवी डाल सकते हो, क्योंकि हेवी में क्या होता है थोड़ा वो स्टेबलाइजेशन करता है, कैसे वो थोड़ा क्रॉप कर लेता है फिर उसको स्टेबल करता है। तो अगर आपको क्रॉप कर रहे हो तो वीडियो क्वालिटी आपका बेकार होने का चांस है। तो अगर आपका कैमरा क्वालिटी उतना खास नहीं है तो मैं रिकमेंड करता हूँ लाइट स्टेबलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि मेरा भी सेम कंडीशन है भाई। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है अप्लाई। तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, स्टेबलाइजिंग मीडिया कर रहा है। उसके बाद आपको रेंडरिंग अलग से करना है, ठीक है, ये तो बस प्रोसेसिंग होगा, तो इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हो गया, बहुत टाइम लगा क्योंकि मेरा पीसी स्लो है, 5 मिनट लग गया यार। अब यहाँ पे देख सकते हो ये अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब ये स्टेबलाइज हो गया। अब यहाँ पे आप प्ले करके यहाँ पे भी देख सकते हो, और आपको अब करना ये है रेंडरिंग कर देना है सिंपली। ये मेरा ये शॉर्टकट है रेंडर एस, और जो भी आपका नाम है सेव कर देना जहाँ पे सेव करना है, तो आपका काम हो जाता है। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आपने ये एडिटिंग सीख लिया है। अगर सीख लिया है और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। अभी आपने सीख लिया कि नहीं और कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो नीचे फटाफट कमेंट में बताओ ताकि मैं आपका हेल्प करूँ। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं ऐसे टेक से रिलेटेड और ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।